रसि रन रहीम अलैक् आप देख रहे हैं डी डी पी जब से दिसंबर का महीना शुरू हुआ मैं अपने साथ जो कुछ भी और वीडियोस वग़ैरह लेके आता रहा उसमें खसूसी तौर पे मैंने उन्नीस की जंग के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी रिसर्च अपनी तहकीक के मुताबिक अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश की आ, ये बहुत ज़रूरी है इस लिहाज से कि उन्नीस की जंग के बारे में चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत नहीं हुई तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में वो तबका जो हर वक्त इसी ताक में रहता है कि वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करे उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी फजूल बातें की बकवासात की और तहीं तहीं आमेज़ रवैया इख्तियार किया उन लोगों के बारे में जिन्होंने जान कुर्बान की और इनको तहफ़ मुहैया किया पाकिस्तान की उन्नीस सौ इकहत्तर की जंग उसके दो हिस्से एक मगरबी पाकिस्तान और एक मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान आपका पूरी तरह दिफा हुआ उसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं आई लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ भुगताते रहे बावजूद इसके कि हमारी अपनी सफ़ों में हमारे अपने पाकिस्तानी भाई साथी जो आज बांग्लादेशी कहलाते हैं उन्होंने कई जगहों पे बेवफाई की कई जगहों पे दुश्मन को मदद दी और बड़ी ज़बरदस्त मदद दी ला के हमारे सरों पे खड़ा किया लेकिन उन चीज़ों के बावजूद मगरबी पाकिस्तान का दिफा मजबूत था और वो कामयाब दफा रहा लेकिन मशक़ी पाकिस्तान में हालात हाथ से निकल गए यहाँ बहुत सारी जरूरत की बहादरी और वतन से इंतहाई गहरी मोहब्बत के ऐसे लाजवाल वहाँ पे किस्से सुनने को मिलते हैं और देखने को आए हैं जो इंसान हैरान रहता है लेकिन बहुत सारा हमारी कौम को पता नहीं है ये वाद मार्क आप समझ लीजिए कि एक डेवलपिंग कंट्री छोटा मुल्क जो कि भारत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था अपने वतन से 1200 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की मुक्तिबानी फौज दो ढाई लाख भारत के अपनी साढ़े चार लाख के करीब आर्मी और उसके साथ साथ सोवियत यूनियन पूरी तरह बैकिंग करता हुआ इंटेलिजेंस के जरिए हर तरह की खबर आपकी हरकत के बारे में भारत को दे रहा है और पाकिस्तान तन तनहा उन 34,000 फोर थाउजेंड सोल्जर जो वहां भेजे गए थे उनसे मुकाबला कर रहा था उन में उनसे भी जब वो लोग वापस आए हैं तो पता चला कि चार हज़ार उसमें से भी शहीद हो चुके हैं सो ये एक मार्का था जो अपने वतन से बारह सौ किलोमीटर दूर जहाँ कोई ना तो इमदाद पहुँचाई जा सकती थी और ना ही कोई वहाँ पर और उनको हमदर्द या पुरसान हाल उस इलाके में मौजूद था क्योंकि पूरा मुल्क जो है वो उनके ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ भारतीय प्रोपीगंडे की वजह से एयरफोर्स वहाँ पर बिल्कुल नहीं थी एक स्क्वाडन शुरू में भेजा गया था जो कि पुराने जहाज़ों पर एफ एफ एटी सिक्स जहाज़ थे जो कि ख़राब भी हुए कुछ वहाँ पर इस्तेमाल हो गए या वो गिरा लिए गए बाहर सूरत हवाई अड्डों पर खड़े बाज जहाज़ मारे गए तो एयर एयरफोर्स तो ना होने के बराबर थी और नेवी भी बिल्कुल नहीं थी नतीजा ये कि इन सारे नामसाद हालात में जहाँ पे के वैसे हकीकाता जंग लड़ने का को तुख बनता नहीं है जंग लड़ने का कोई आपका मैच नहीं कोई मुकाबला नहीं है कि इतने सुपीरियर आर्मी या उनके पूरी सारी एयर एयरफोर्स नेवी आर्मी और दूसरी तरफ एक हर तरफ से कटा हुआ ये दस्ता जिसमें के तीस बत्तीस हज़ार लोग थे आर्मी थी वो अपने मुल्क से 1200 सौ के बारह मील दूर एक जंग लड़ रहा है इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी और तमाम डिप्लोमेटिक सपोर्ट भारत को क्योंकि भारत ने इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का प्रोपागेंडा किया पूरी दुनिया में एक उसको इंसानी अलमिया के तौर पर बताया और वजह यानी झूठ पर मबनी पाकिस्तान के मजालम और इस तरह की बातें की जिससे भारत ने अपने लिए बहुत सारी हमदर्दियाँ इंटरनेशनली समेटी इन हालात में वहाँ पर जो बहाद्री के मुख्तलफ़ कारनामे हैं उनमें बहुत सारे हैं जिनमें मक्ता फोक्ता मैं ज़िक्र करूँगा लेकिन उनमें ख़ास तौर पर कर्नल सुल्तान महमूद उनका कारनामा यहाँ पर बहाद्री जरत और इंतहाई साफ सुथरी ऑनरेबल सोल्जरिंग का एक नमूना उन्होंने पेश किया उसमें लीडरशिप भी कमाल की थी लिहाजा वो मैं यहाँ पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा करनल सुल्तान राजा करनल सुल्तान महमूद राजा शहीद ये बत्तीस बलोच से इनका ताल्लुक़ था 27 दिसंबर उन्नीस को ये पीरगंज एक इलाका है जो कि डाका से कोई पैंसठ किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है वहाँ पे एक शहर एक जगह बोथा है वहाँ उस के करीब ये ईस्ट पाकिस्तान में अपनी ज़िम्मेदारियाँ जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे अपनी यूनिट के साथ ये बत्तीस बलोच रेजिमेंट कमांड कर रहे थे और इन्होंने वहाँ पे इंडिया की एडवांसिंग फोर्सेस जो थी उनको रंगपुर बोगरा सेक्टर में रोके रखा और पूरी ये जो जो फोर्स थी भारती ये ट्वेंटी माउंटेन डिवीजन को लीड करती हुई वहाँ पे उस इलाके में पहुँची भारतीय फोर्स को टैंक और एयरफोर्स दोनों की दबा के सपोर्ट हासिल थी जो कि हमारे ट्रुप्स के पास ना टैंक्स थे ना ही वहाँ पे एयरफोर्स थी मुक्ति बहानी उनके साथ थी जो उनकी रहनुमाई भी करती थी और मुक्ति बहानी वो फोर्स है जिसमें के मशरकी पाकिस्तान में जो ईस्ट बंगाल राइफल्स थी वो या उनकी सिविल आर्म फोर्सेज जिस तरह हमारे रेंजर्स वगैरह होते हैं ये थे जो कि यहाँ से भाग के यानी पाकिस्तान को छोड़ के तो भारत जा चुके थे वो थे और उनके साथ उनकी सिविलियन ट्रुप्स वगैरह मिला के तो ये काफ़ी बड़ी फोर्स तैयार की गई थी जो कि भारतीय फ़ौज की मावनत कर रही थी उसमें भारतीय फ़ौज ने अपने अफसर भी दिए हुए थे ताकि कमांड स्ट्रक्चर जो है वो प्रोफेशनल कमांड स्ट्रक्चर पूरी तरह उनको अवेलेबल हो ये रिवोल्ट करने के बाद उधर चले गए और वहाँ से ट्रेनिंग लेके उनसे पैसा उनसे हथियार वगैरह नए लेके और भारतीय फ़ौज के तोपखाने की मदद से टैंकों की मदद से इन्होंने भारतीय फ़ौज के साथ मिल के वहाँ पर हमला किया शाम पाँच बजे सात दिसंबर को सिक्सटीन डिवीजन हेडकोर्टर जो कि पीछे था उन्होंने बत्तीस बलोच को इतला दी कि उनके जी ओ सी मेजर जनरल नजर हुसैन वो अगले ट्रुप्स को विजिट कर रहे थे देख रहे थे कि उनको मुक्तिबानी ने एम्बुश किया है और उनको वहाँ से अगवा करके ले गए हैं लिहाजा <coughs> कर्नल सुल्तान को ये टास्क दिया गया कि बत्तीस फलोच अपने रेजिमेंट के ज़रिए जनरल साहब को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए उनको हर हालत में वहाँ से निकलवाया जाए कर्नल सुल्तान को जैसे ही ऑर्डर्स मिले उन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बग़ैर फ़ौरी तौर पे अपनी बटालियन को ऑर्गेनाइज़ किया और असाइन टास्क के लिए बाहर निकल गए बटालियन में चार कंपनियाँ होती हैं उनमें से एक कंपनी उन्होंने पीछे छोड़ी और पीरगंज बोगरा रोड पे कोई पाँच किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे उनका आमना सामना हुआ दुश्मन के साथ मेजर सलीम रज़ा उनकी अल्फा कंपनी को लीड कर रहे थे जैसे ही कर्नल सुल्तान महमूद इनको लीड करके वहाँ पे पहुँचे तो दूसरी दो कंपनियाँ जो पीछे थीं वो भी मेजर अजमल लेके तो वो भी उनके पीछे वहाँ पे उस एरिया में पहुँचे लीडिंग कंपोनेंट जो बटालियन के थे इनको जब रंगपुर बोगरा रंगपुर रोड के ऊपर मार्च करके आगे लेके आए तो वहाँ पे इनकाउंटर हुई और दुश्मन का फायर इनके ऊपर आना शुरू हुआ दुश्मन जो उसकी फौज थी वो दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ में डिप्लॉयड थी उनकी उन्होंने अपनी खंदकें बनाई हुई थी पूरी तरह अपने मोर्चे तैयार किए हुए थे डग आउट थे और चूंकि अंधेरा भी था और शुरू में इस एरिए की कोई रिकॉन्सेंस वग़ैरह भी नहीं की हुई थी चुनाचे ये एक ऐसा आप कह लीजिए कि मौका आ गया जहाँ आपको उसके सामने रुकना पड़ा और फिज़िकली हमले करके इस जगह को आपने ख़ाली कराना था हासिल करना था आठ दिसंबर को शाम चार बजे के करीब कर्न सुल्तान महमूद एक बहादुर ऑफ़िसर पाकिस्तान आर्मी के उन्होंने फैसला किया कि वो ये जो ब्लॉक है इसको ये ख़ुद ख़त्म करेंगे और उन्होंने बड़ी बहादुरी और दलेरी से अपनी एक पॉइंट पलटून लॉन्च की उसके पीछे खुद थे लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो पलटून है वो आ, रुक गई उसका एक तरह से आ, उसको ब्लॉक कर दिया पिन डाउन कर दिया गया लेकिन फिर ख़ुद वो इसमें शामिल हुए चार्ज कराया और वहाँ पे टेंचेज़ में कूद के बैनट टू बैनट बनट जैसे हम कहते हैं हैंड टू तो हैंड फाइट वहाँ पे शुरू हो गई उसमें पूरी पलटून जो जिसको ये इन्होंने आगे रखा वो पलटून उसकी बड़ी कैलिटीज हुई काफ़ी लोग दोनों तरफ से काफ़ी लोग मारे भी गए शहीद हुए और उसके साथ साथ जख्मी भी काफ़ी सारे हुए इस असरा में बजाय इसके कि ये हमला पसपा हो जाता ख़त्म हो जाता कर्नल खालिद महमूद ने चंद लोग ले के तो ख़ुद हमला किया और जब वो दुश्मन की मशीन गन से पाँच गज़ के फ़ासले पे थे और जंप करके उसको पकड़ना चाह रहे थे कि उन्होंने मशीन गन का बस्ट एक अपने सीने पे हाँ उनको मारा गया जिसकी वजह से वो दुश्मन के मोर्चे से पाँच गज के फासले पे वहाँ पे शहीद हुए उनकी हैंड टू तो हैंड फाइट जो जिस कैप्टन से हुई कैप्टन जतंदर नाथ सुध ये दो पाँच गोरखा का गोरखा राइफल्स का ऑफिसर था और इस तरह आ, उसने भी अपनी पिस्टल से भी फायर किया और ये सुद भी कर्नल सुल्तान महमूद की पिस्टल के फायर से बड़ा बुरी तरह ज़ख्मी हुआ लेकिन ये जो मशीन गन का फायर था ये कर्नल सुल्तान को ले बैठा इंडियन हवालदार जिसने कि ये फायर किया वो वहाँ पे आ, उसने बाद में गवाही भी दी इस बात की और ये एक इंतहाई बहादुर आदमी यहाँ पे दुश्मन के मोर्चों से पाँच गज़ के फ़ासले पे शहादत पा गया और बड़ी कोशिश की बत्तीस बलोच ने वहाँ से उनकी डेड बॉडी रिसीव करने की रिट्रीव करने की लेकिन दुश्मन के हैवी फायर की वजह से वो ये ना कर सके यहाँ पे इन्होंने फिर बाकी जो पलटन थी उसने दरिया सामने था दरिया काराटोया जो है उसके किनारे पे इन्होंने ब्लॉकिंग पोजीशन ली और फिर दुश्मन की एडवांस को पूरी तनदही से रोके रखा और दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया इसी असना में जीओसी सेकंड सी सेकेंड जी सी सोलर डिवीजन का पता चला कि वो दुश्मन से बच निकलने में कामयाब हो गए और वो वापस अपने डिवीजनल क्वार्टर बोगरा पहुंच चुके हैं और उन्होंने डिवीजन की कमांड दोबारा संभाल ली है ये एक जीओसी सी का भी मैं समझता हूं कि उनका और उनके लोगों उनके साथ जो उनके साथी थे उनका एक बड़ा दरेराना एक्शन था अब ये जो कहानी है इनकी कर्नल सुल्तान महमूद की ये बाद में बत्तीस बलूच के ऑफिसर्स को जब जंग बंद हो गई सीज़ फायर हो चुकी थी तो उसके बाद उनके ब्रिगेड कमांडर जो जो इंडियन आर्मी के ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर जोगेंदर जोगेंदर सिंह बख्शी उन्होंने इंतहाई तारीफ़ और अकीदत के साथ ये सारी कहानी बत्तीस बलूच के ऑफ़िसर्स को बताई उनको सुनाई लेकिन इसके अलावा भी इसके शवाहद जो मिलते हैं वो ये है कि यहाँ इंडिया में एक किताब लिखी गई इंडियन सोल्ड स्ट्राइक्स इन ईस्ट पाकिस्तान ये मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लह लहाल की लिखी हुई किताब है इंडियन इंडियन सोल्ड स्ट्राइक्स इन ईस्ट पाकिस्तान मेजर जनरल लक्ष्मण इस किताब में भी उन्होंने ये ये यानी उसका जी ओ सी थे ट्वेंटी इंडियन ट्वेंटी माउंटेन डिवीजन के जिसके मुकाबले में कर्नल सुल्तान महमूद के ट्रुप्स लड़ रहे थे उन्होंने भी अपनी किताब में इस वाक़े का भरपूर ज़िक्र किया है और इसके अलावा इनके मेजर जो उस कंपनी कमांडर थे वहाँ पे जो फ्रंट लाइन में मौजूद थे भारत के उसका नाम था मेजर इतबार सिंह दो पांच गोरखा राइफल इनकी यूनिट थी इन्होंने आ, ये ये कंपनी कमांडर थे उस वक़्त और इन्होंने खुद ये सारा एक्शन अपनी आंखों से देखा था लिहाज़ा उन्होंने कर्नल सुल्तान महमूद के बारे में दो हज़ार बारह में एक ख़त लिखा उनके बेटे को जो उस वक्त एक ब्रिगेडियर थे पाकिस्तान आर्मी में उनको ख़त लिखा और उनके बेटे आज पाकिस्तान आर्मी में एक लेफ्टिनेंट जनरल के उहदे पर हैं कर्नल सुल्तान महमूद के बेटे आ, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद तो लेफ्टिनेंट जनरल नौमान नौमान महमूद उस वक़्त ब्रिगेडियर थे उनको ख़त लिखा और उसमें उन्होंने फर्स्ट हैंड अकाउंट सारी उस कंपनी कमांडर ने बताई जिसमें उसने लिखा कि मैं आपको पूरी तरह यकीन दिलाता हूँ और यकीन और आप ये चीज़ अपने बहन भाइयों को सबको बताएं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बहादुर ऑफ़िसर नहीं देखा जिसने के वतन के दिफा के लिए जान देना कबूल किया और वो भी हमारे मोर्चों से सिर्फ़ पाँच दस फुट के फासले पे ये वो कहानी है जो कि जो जो आप कह लीजिए कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड है क्योंकि आपका दुश्मन उसको बता रहा है दुश्मन की ज़बानी आपको ये चीज़ें पहुँच रही हैं क्योंकि हमारे तो वहाँ पर जो लोग थे कुछ मारे गए जो जूनियर लेवल के बचे वो शायद ना बता सके और उसने ये भी बताया कि ये मशीन गन का बस था जो कि मारा गया जिससे वो शहीद हुए ये जो सुप्रीम सेक्रीफाइस की कहानी है ये लाजमन एक मश है हमारे लिए भी हमारे ट्रुप्स के लिए और ये बतीस बलूच के लिए एक बहुत बड़ा फ़खर है आ, उनको कर्नल सुल्तान महमूद को उनकी शहादत के बाद सितारे जुरत दिया गया और ये कहानी जो है ये दी हिंदू और दी स्टेट्समैन में भी पब्लिश हो चुकी है जो कि 2018 में पब्लिक के सामने आई तो इन चीज़ों को अगर आप देखें कि इंटरनेशनली जिसका चर्चा हुआ उसकी कहानी में कोई शक व शुबा हो नहीं सकता इसलिए कि वो दुश्मन की ज़बानी बताई गई है मैं इसके साथ अगर मैं बहुत सारी और भी मैं देखूँ तो बेशुमार कहानियाँ हैं मशरक़ी पाकिस्तान के हमारे उन नौजवान ऑफिसर्स की जिन्होंने जान को हथेली पर रख के दिफा किया ये अलग बात है कि बदकस्मती के बाद में ये फ़ैसला हुआ कि चूँकि ये जंग जीत नहीं जा सकती मशरक़ी पाकिस्तान में और ना ही मगरबी पाकिस्तान से उनको मदद पहुँचाई जा सकती है लिहाजा इस जंग को खत्म कर दिया जाए सीजफायर कर दी जाए वरना ये जा, ये ये जो हमारे जानसार वहाँ पे मौजूद थे जो जवान मौजूद थे ये अगर हुक्म उनको हथियार फेंकने का ना मिलता तो वो आखिरी दम तक अपने आखिरी खून के कतरे तक और आखिरी गोली तक लड़ते हैं आज के लिए इतना ही अफाज पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद